हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है स्ट्राइड्स फार्मा लिमिटेड, जिसको स्टार के नाम से भी बुलाता है, स्टार फार्मा के नाम से। अब देखो, इसमें ना मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन तो वही फोकस करना है उस पर। और इस शेयर में देखो क्या हुआ ना, पहले अच्छा खासा यहाँ पे कोविड से पहले काफी अच्छा मोमेंटम आया था, फार्मा सेक्टर चल ही रहा था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई। अब इसमें क्या हो रहा है ना, 2015 का नवंबर 2015 का हाई क्या लगा था, 1323। इस लेवल के ऊपर जो हाई था यहाँ पे 9 साल बाद, मतलब इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट का देखो मेन क्या ना, सस्टेन करा, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आई है यहाँ पे। इसमें तो वो क्लोजिंग यहाँ पे आएगी तो वो काफी वैल्यूबल है इसमें। इसमें हमें मेन चीज देखना है कि जब तक ये अभी जो हाई लगा 1348 है, इसके ऊपर जब तक सस्टेन करता है, तब तक मंथली टाइम फ्रेम पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे वीकली और डेली भी हम देख लेंगे कंडीशन अभी क्या है यहाँ पे इसमें, तो हमें ये लेवल मार्क करना है यहाँ पे। इनकेस अगर यहाँ से गिरावट आती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है वो भी हम साथ में देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो प्रॉपर लेवल पर, अगर देखें तो 1136 के आसपास आ रहा है, और उसकी फिर बाद आएगा यहाँ पे 900 रुपए के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये वाला लेवल हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का, क्योंकि ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे इस जगह पर आया तो वापस से गिरावट नहीं आ सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती। कुछ भी चीज होता है कि सेक्टर वाइज रोटेशन होता है, मान लो फार्मा सेक्टर के दूसरे सेक्टर पर फोकस हो गया मार्केट, उसमें ज्यादा चलेगा तो वापस हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन अगर ये जब तक इसके ऊपर है 1340 के ऊपर यहाँ पे पुराने लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 1300 रुपए का लेवल मान के चलो कि 1300 रुपए के ऊपर हम तक रहेगा ये, क्योंकि हो सकता है देखो थोड़ा बहुत 1300 के आसपास मतलब आके वहाँ पे कई बार होता है स्टॉप लॉस हिट करा के वापस ऊपर निकल जाता है, तो हमें लगता है 15-20 पॉइंट पीछे का यहाँ पे स्कोर कर सकते। अब एक बार देखेंगे यहाँ पे वीकली पे, वीकली पे देखो अभी भी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। लास्ट वीक में क्या है ना, 1347 का एक हाई लगाया था और इस बार उसने 1348 का हाई लगा के आया था, लेकिन अभी क्लोजिंग इसके नई चीज नहीं थी, मतलब उसके ऊपर नहीं दी है, 1340 पे दी है। तो जैसे ये 1348 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देना लग जाएगा तो वीकली लेवल पे भी यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डेली में देखते हैं। डेली में देखो क्या हो रहा है ना, ये इस जगह के आसपास मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, तो ये अच्छा पैटर्न है। देखो मतलब अगर टॉप पे यहाँ पे इस जगह के आसपास रिजेक्शन ले रहा है, जैसे ही मोमेंटम आएगा इसमें यहाँ पे कोई ब्रेकआउट देगा तो अच्छा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस किस जगह का रहा है इस जगह पे, ये वाला लेवल 1291 अगर डेली के हिसाब से देखें, ठीक है, क्योंकि हमें डेली के हिसाब से कंडीशन अलग लग रही है यहाँ पे, तो उसको देखना पड़ेगा। इसी जगह पर एक मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट है ना, तो 1292-90 के आसपास यहाँ पे इस जगह पर सपोर्ट है। यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में 1238 तक भी लेवल आ सकता है देखने को। और अपर साइड में क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये इस जगह के लेवल के आसपास ही 1348-1347 के आसपास वहाँ पर रिजेक्शन करा, तो एक रेंज बना रहा है यहाँ पे, तो इसी रेंज को प्लान करना है यहाँ पे। देखना देखो मंथली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करो चार्ट पे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे उसकी क्या कंडीशन लग रही है। ठीक है, फिर वीकली पर डेली पे देखो ताकि आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे उसमें क्या, क्योंकि डेली के हिसाब से हम शॉर्ट टर्म भी लेते हैं, मतलब 10-15-20 दिन के हिसाब से, और मंथली के हिसाब से जब लेते हैं यहाँ पे चार्ट अगर देख रहे हैं कोई भी हो, तो फिर वो मिनिमम 1 साल के हिसाब से क्राइटेरिया होता है, और वीकली के हिसाब से होता है कि साल भर 6 महीने के लिए एटलीस्ट होता है वहाँ पे, तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से देखना चाहिए वहाँ पे। कई बार कहते हैं ना डेली पे तो चार्ट अच्छा लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है, और वीक मंथली में जस्ट अपवर्ड चल रहा है वहाँ पे, तो हमें ओवरऑल देखने से थोड़ा सा आइडिया रहता है इसमें। तो मंथली पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफी अच्छा बेस बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है इसमें यहाँ पे, और इसमें ब्रेकआउट की कंडीशन लग रही है, तो इस लेवल पे ध्यान रखना है यहाँ पे 1340 के ऊपर जब तक भी सस्टेन कर रहा है जब तक, तब तक यहाँ पे मंथली पे भी अच्छा खासा बुलिश है शेयर में। और यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और इसमें यहाँ पे कोई बाय सेल करने से पहले कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार डिस्कस करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।